सामने हमें हल्की सी बर्फ दिखाई दी है। थोड़ा स्टे करने के लिए रुके हैं, रोड से बहुत थक गया बाइक चला के, पर यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत था, सोचा यहाँ कुछ वीडियो बनाया जाए। बहुत सुंदर व्यू, आप देखो नीचे सामने भी बर्फ पड़ी है पहाड़ पर। काफी सुंदर घर बने हुए हैं, झोपड़ी टाइप सामने वो व्यू कितना अच्छा है। आसमान नीला और तबीयत हरी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में मेरे भाई? भाई जन्नत है तो यही है, यही है और यही। वाह, कसम से दिल खुश हो गया कि हाँ रुको आगे 10 मिनट, इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत जगह है, आप आओ यहाँ का टूर बनाओ, उसके सारी इन्फॉर्मेशन में शेयर करूँ, प्लीज़ यहाँ पे आओ, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही। इनसे खेती हो रही है, सैनिक भाई जा रहे हैं, वो आए हैं हमारे सैनिक भाई। यहाँ पर काफी मूवमेंट है, ये वहां के लाएंगे इन्हें। बादल नहीं मिलते यार हमारे यहाँ,
ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है चलो। हाँ हमारी नैनो मिल गई, इतनी हाइट पर नैनो को देखना अच्छा लगता है। काफी खूबसूरत है, रह सकते हैं। अनबिलीवेबल भाई, बहुत सुंदर है, रिवर कितनी अच्छी लग रही है। ये शाखा गेमूर है, बाइकर्स लोग आ रखे हैं यहाँ पर। ये पता नहीं क्या लिखा है, मेरा इसका मतलब जानता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है क्या है ये, इसका मतलब क्या है। एक्टिंग ये और ये सेम ही लग रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो लिखा है हर पत्थर पर, हर पत्थर पर कुछ ना कुछ। भाई हमारा बाइक चला चला के थक गया है, जिसका लगता है ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। पर यहाँ बैठ समय आने लगा है सितंबर अक्टूबर, जब यहाँ नवंबर जब यहाँ पे अच्छी अच्छी बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तब यहाँ का नज़ारे ही अलग होते हैं। पर ये यहाँ जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है बर्फ से, तो उनके लिए इस समय बेटर है अगस्त सितंबर अगस्त तक आप आओ, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं यहाँ पर। देखो आप ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये देखो कितना अच्छा व्यू है, होम स्टे काफी मिले, पर काफी सारे होम स्टे है आप देख रहे होंगे वीडियो में, होम स्टे काफी अच्छा व्यू है, कैंपेनिंग भी है यहाँ पर, आप कैंप भी दे सकते हो यहाँ पर। अभी सब आ चुके हैं नावल एंड स्पीति में पड़ता है, यहाँ पता करते हैं अगर यहाँ पे कोई हमें होम स्टे मिल जाए, फिर हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई करते हैं।
ट्राई करते हैं दारसा जाने की। क्या करते हैं यही पहले आगे घूम के आवे। चलो आगे चलते हैं। और हम ट्राई करेंगे हमें कोई होम स्टे मिल जाए, शायद थोड़ा भी सस्ता पड़ जाए। वो होटल काफ़ी सारे हैं यहाँ पर और काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पे, काफ़ी शांति है, बहुत अच्छा नज़ारा है। नेचर में इतना सुंदर साउंड आ रहा है पानी का, हवा का, बहुत सुंदर लग रहा है। तो खाली लग रहे हैं लगभग, बहुत कम ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर। गेस्ट हाउस भी काफी है तो जैसे ही हमें कोई रूम और या अगर हमें कोई गेस्ट है मिलता है तब हम बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करेंगे। सामान लेके आ रहा है तो ये गेस्ट हाउस है, यहाँ हमने रूम ले लिया है, थोड़ा बार्गेनिंग करके 1000 रुपीज हमें मिल गया। वैसे 1500 और 1200 रेट बता रहे थे। नीचे कैंप पेनिंग है, कैंप का 1000 रुपये विदाउट फूड और 1500 विद फूड है, तो वो भी एक ऑप्शन है। पर उसमें क्या है, पर बेड के हिसाब है, अगर दो लोग हो तो पर बेड के हिसाब से 3000 पड़ जाएगा, उससे सस्ता फिर ये हमें मिला है रूम, ये ज़्यादा अच्छा है। 1000 रुपये में रूम मिल गया है प्लस खाना जो भी हम खाएंगे वो ही होगा, तो अच्छा है ये। अगर आपका कभी अगर जिप्स आना हो तो आप यहाँ पर इस रूम में ले सकते हो, अच्छा रूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ कि रूम किस टाइप का है, आप देख लीजिए नाम इसका। और आज डेट है 14 अगस्त, शाम के 6:15 हो चुके हैं, मैं अंदर आपको रूम, ये हमारा रूम है, रूम काफ़ी साफ़ सुथरा मिला है। बेड नीचे कालीन टाइप बिछा हुआ है, टीवी भी है, टेबल चेयर, छोटा सा मिरर एंड वॉशरूम भी काफ़ी साफ है, गीजर भी है, ठीक है। 1000 के हिसाब से रूम काफ़ी अच्छा है, भाई आराम कर रहा है, टांगे दुख गई हैं इसके, छोड़ा सुन हो गया इसका पूरा, हम भी आराम करेंगे थोड़ा और कल घूमने जाएंगे। तबियत खराब हो गई है, चलो पता करते हैं मेडिसिन का भी, ठीक है। अगर हम आगे घूमने जाते हैं तो जल्दी आपसे मिलते हैं, एक्सप्लोर करके पार्किंग करेंगे। जिप्सा पे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लोग आगे जब ले जाते हैं मोस्टली यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, और आगे दारचा में हमने अगर जाए कुछ मिलेगा तो एक्सप्लोर करके जरूर दिखाएंगे। तो तब तक सर चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा था हमें वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए वीडियो, धन्यवाद जी। ओके भाई।